Hello guys, this is Alka Solanki and you are watching Marine Gyan. It's a seafarer's voice. ये देख के तो समझ ही गए होगे। Ice splice training में बहुत सारे लोगों को सिखाने के बाद भी नहीं आता, बहुत लोगों को मार भी पड़ती है। So आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ice splice कैसे बनानी है। ये है टाइगर रोप। टाइगर रोप में आप लोगों को अच्छे से थोड़ा समझ में आएगा, इसके लिए मैंने ये वाला रोप चूज किया है आप लोगों के लिए। टाइगर रोप में पहले क्या क्या आपको आइडिया लगाना है वो मैं ये भी बता देता हूँ, बनाने के टाइम पे हो सकता है भूल जाओ। क्या करना है आप लोगों को, ये जो एंड है ये एंड आप लोगों को इस तरह से थोड़ा लाइटर से जला के चिपका देना है, या फिर आप टेप यूज़ कर सकते हो, टेप मार के चिपका दो, या फिर व्हीपिंग। व्हीपिंग आप लोगों को नहीं मालूम देन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना, व्हीपिंग का वीडियो भी ज़रूर बना देंगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। इसके एंड के ऊपर व्हीपिंग भी कर सकते हैं, टेप भी लगा सकते हो और लाइटर से स्टिक भी कर सकते हो। ये है आइस प्लाइस और मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा आइस प्लाइस कैसे बनानी है। वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को इस तरह से एक रोप ले लेना है। मैंने यहाँ पे टाइगर रोप इसलिए यूज़ किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, बेसिक थिंग है वो ये है कि आप जो भी आपके रोप्स के एंड है वो एंड को इस तरह से सिक्योर कर लेना है। टेप लगा सकते हो आप कोई भी, या फिर लाइटर से थोड़ा बहुत जला के उसको सिक्योर कर देना है। इस तरह से आप देख रहे हो मैंने सिक्योर कर रखे है अलग अलग तरीके से ताकि आप लोगों को थोड़ा समझने में आसानी रहे। और ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख लेना बिकॉज मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊंगा, ऐसा आइस प्लाइस बनाने के बाद आप लोग को क्या करना है और ये जो एंड्स है वो कैसे सिक्योर करने है ताकि थोड़ा अपना जो आइस प्लाइस है वो अच्छा दिखे। मैं दिखाता हूँ आप लोग को। इस तरह से जो भी रोप्स है आपको जितना भी साइज़ का आई बनाना है उस हिसाब से आई बना लेना है। जैसे कि इतना बनाना है सपोज देन आप इतना, या फिर बड़ा बनाना है बड़ा, छोटा बनाना है छोटा, ठीक है इस हिसाब से आपको रख लेना है। मैं इतना बनाने वाला हूँ। आपको इस तरह से रखने के बाद एक सिंपल सा चीज़ है, कोई भी एक एंड यहाँ पे आपको समझ में आए इसके लिए मैं आपको ये ब्लैक वाला एंड सेंटर में रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सपोज ऐसा रख लिया, ये एंड अपना रोप जो जा रहा है वो है ये, एक इस तरह से एक इस तरह से यहाँ पे ऐसा सेंटर में रखने के बाद ये कोई भी एक एंड उठाना है आपको, जैसे कि ये सेंटर में ऊपर जा रहा है बिल्कुल टॉप पे जा रहा है, सेंटर में जा रहा है मतलब इसको उठाना है, ठीक है। आपको जो साइज रखना है उस हिसाब से साइज रख के बनाना है। अभी मैं इसको उठा के यहाँ पे, एक चीज़ याद रखना है आपको, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ही निकलना चाहिए। कोई भी आप आइस प्लाइस बनाओ, बैक स्प्लाइस बनाओ, कुछ भी बनाओ, अगर आप रोप में बना रहे हो मतलब आपको राइट से डालना है और लेफ्ट साइड से निकलना है। और यहाँ पे इसके बाद जो ये वाला एंड है वो कहाँ पे डालना है वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये जो जा रहा है जिसमें हम लोगों ने अभी डाला उसके जस्ट पास्ट वाला एंड, उसके बाजू में जो एंड है उसको उठा के हम लोग को सेम राइट साइड से लेफ्ट साइड में पास करना है, लाइक दिस। यहाँ पे हो गया हमारा, दो एंड हम लोगों ने पास कर दिया है। थर्ड वाला एंड हम लोग को सेम, यहाँ पे गलती नहीं करना है, बहुत सारे लोग गलती यहाँ पे कर देते हैं, सीधा ये साइड उठा के इधर से पास कर देते हैं, लेकिन नहीं, आप लोग को देखना है ये जो हम लोगों ने पास किया है सेंटर वाला, सेंटर वाले के नीचे जो है उसमें पास करना है, लेकिन सेम राइट साइड से डालना है और लेफ्ट साइड से निकलना मांगता है। कुछ इस तरह से आप देख रहे हो, राइट साइड से पास किया मैंने और लेफ्ट साइड से निकाला। इस तरह से ये जो हम लोगों ने तीनों एंड एक एक बार हो गया, मतलब इसको एक हाथ बोलते हैं, अपना नॉर्मल जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं कि एक हाथ हो गया। अभी मैं आप लोग को सेकेंड हैंड करके दिखाऊंगा और थर्ड हैंड करके दिखाऊंगा। तीन हैंड करने के बाद आप लोग को क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये फर्स्ट हैंड हो गया। अभी यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को, ये जो एंड है वो एक एक एंड को छोड़ के दूसरे एंड पे डालना है। जैसे कि ये
ये वाला एंड इसके पास में आ रहा है तो ये उठा के नहीं डालना है, आपको ये वाला एंड छोड़ देना है और उसके बाजू वाले एंड में डालना है, मतलब कि आपको इसको ओवरलैप करना है, ये जो एंड जा रहा है एक एंड को ओवरलैप करके दूसरे में डालना है इस तरह से, सेम राइट साइड से लेफ्ट साइड में पास करना है। ये हो गया सेम, एक हाथ मैंने कर दिया एक एंड का, सेम यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है इसको ओवरलैप होना है और दूसरा उसके पास वाला जो है उसमें डालना है, जैसे कि हम लोगों ने जिसमें पास किया ये वाला फर्स्ट एंड उसके बाजू वाले एंड में। इस तरह से उसको भी सेम राइट टू लेफ्ट, एक चीज बेसिक याद रखना है राइट टू लेफ्ट ही पास करना है। सेम यहाँ पे थर्ड एंड है आप देख सकते हो ये वाला, इसको ओवरलैप होगा ब्लैक वाले को ओवरलैप होगा, यहाँ पे एक बीच में एक एंड छूटा हुआ है उसमें हम लोग को डालना है इस तरह से उठा के राइट से सेम लेफ्ट में डालना। तो यहाँ पे आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, तो इस तरह से दो हाथ हो गए हैं, अभी तीसरा हाथ में फटाफट कर लेता हूँ ताकि आप लोग को लास्ट में दिखाऊँ कि सिक्योर कैसे करना है। सेम यहाँ पे भी एक रोप को ओवरलैप करना है और दूसरे में डालना है, और आपका सच है या गलत है वो कैसे पता चलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ ये करने के बाद। यहाँ पे हो गया हमारा तीन हाथ कर दिया, ठीक है। आपको सिंपली तीन हाथ करने के बाद इस तरह से रब कर लेना है, थोड़ा बहुत इस तरह से खींच लेना है तीनों एंड को ताकि वो एक दूसरे एंड में अच्छे से बैठ जाए, कुछ इस तरह से कर लेना है। एंड देन यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ पता हो जाना चाहिए, आप देख रहे हो यहाँ पे परफेक्ट दिख रहा है, जब भी गलत होगा आपका थोड़ा बहुत इधर उधर देखेगा सो आपको समझ में आ जाएगा, और नॉर्मली एक प्रोसेस है। ये तीनों एंड देख रहे हो अलग अलग जगह पे निकले हुए हैं, किसी भी अगर आपका गलत रहेगा देन आपके दोनों एंड ऐसे इस तरह से एक ही रोप में से निकले हुए दिखेंगे अगर आपका गलत है तो। अभी यहाँ पे देखो बिल्कुल सही है, इसके लिए तीनों अलग अलग दिख रहे हैं, तीनों रोप कोई भी एक दूसरे के पास में नहीं है, इस तरह से एक ही रोप में से निकला हुआ नहीं है। सो ये हो गया हमारा बेसिक आई स्प्लाइस, और इसको सिक्योर कैसे करना है आप लोग को बता दूँ। सिंपली अगर फाइनल करना है देन यहाँ पे आप लोग को कट करके ये वाला रोप थोड़ा बहुत जला के यहीं पे सिक्योर कर देना है, ये वाला भी सेम यहाँ पे जला के थोड़ा सा सिक्योर कर देना है, यहाँ पे जला के तीनों सिक्योर कर देना है, इस तरह से थोड़ा सा चिपका दोगे तो हो जाएगा, नहीं तो फिर आप यहाँ पे लास्ट में एक टेप मार सकते हो तो उस तरह से आप सिक्योर कर सकते हो। सो ये हमारा हो गया आई स्प्लाइस। सो आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों को ट्रेनिंग के रिलेटेड आप लोगों को जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के लिए वो भी वीडियो ज़रूर बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो मेरा अपलोड करूं फटाक से क्विक अपडेट मिल जाए, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे क्विक अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूले ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।